नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको ड्राई फ्रूट से दूसरे तरीके से लड्डू बनाना आपको बताएंगे। तो इसके लिए हम एक पाव घी लिए हैं, नारियल, किशमिश, बादाम और गोंद, काजू, अखरोट और मखाना और इसमें खजूर। तो चलिए पहले इसको हम भून लेते हैं। कढ़ाई गरम हो गया है और इसको हम मीडियम फ्लेम करके ही भूनेंगे। फ्रूट्स का हम सब 250 ग्राम लिए हैं। उसके बाद हम काजू भूनेंगे। इसके बाद बादाम। मखाना भूनेंगे। मखाना 100 ग्राम है और बाकी सारा सामान 250 ग्राम है।
गैस बंद कर देते हैं। अब इसे हम पहले बारीक बारीक इसे बादाम अखरोट और काजू को हम काट लेते हैं और मखाना को मसल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि लड्डू कैसे मिक्स करके बनाएंगे। नारियल हमने इसे कद्दूकस कर लिया है और कुछ को हमने चाकू से काट लिया है, तो इसे हम भूने नहीं थे, अब भूनते हैं इसे। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, पहले बादाम डालेंगे क्योंकि इसे हम भूने नहीं थे, घी में नहीं भूने थे, सूखा ही भूने थे। उसके बाद इसमें हम अखरोट और उसके बाद हम काजू, दो चम्मच घी में इसे हम भून लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। किशमिश रख देते हैं इसमें, इसको हम पहले ही घी में भून लिए थे। उसके बाद में गोंद को भून लिए हैं। और मखाना नारियल और इसमें हम खजूर को भूनेंगे, इसे हम बिया निकाल लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा गुड़ डाल देते हैं। हेल्दी होता है इसीलिए डाल, अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहती हैं तो इसे आप स्किप कर दीजिएगा, इसकी जगह पर खजूर को बढ़ा दीजिएगा या किशमिश को। अब इसमें इसको डाल देते हैं। अब इसे हम सब मिला लेते हैं। अब इसे हम बड़ा वाला बर्तन में उछल लेते हैं और लड्डू बनकर आपको दिखाते हैं।
किस तरह का लड्डू बनता है और इसी तरह का आप लोग भी बनाइए, इस तरीके से बनाइए, या पीछे वाले मेरे चैनल पर इसी ड्राई फ्रूट्स का ही लड्डू का रेसिपी हम दिए हैं, अगर उस तरीके से बनाना तो उस तरीके से बनाइए, ये बहुत अच्छा बनता है, हेल्दी है। और एक रेसिपी मेरा देखकर ऑर्डर आया तो मैं फिर ये दूसरा रेसिपी बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का। तो इस तरीके से बनाते हुए और इस तरीका को अपनाते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।